अगर हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अपने मंसूबों को अंजाम तक लाने में कामयाब रही तो फिर संगठित अपराध करने वाले अपराधियों की हरियाणा में कोई जगह नहीं होगी। फिर चाहे वो माफिया हो, डॉन हो, संगठित अपराध करने वाले तस्कर हो, या फिर नशे के कारोबार से जुड़े वो लोग हों जो नशे को बढ़ावा देते हैं। कैसे? वो इसलिए दरअसल कि मकोका की तर्ज पर हरोका या फिर HR कोका हरियाणा सरकार ये सख्त कानून हरियाणा के सूबे में भी लागू कर सकती है, और जब ये लागू होगा तो क्या कुछ हो सकता है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। संगठित अपराध पर होगा कमर तोड़ प्रहार, बदमाशों के हौसले पस्त करने को सख्त कानून लाएगी सरकार। महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर होगा हकोका। हरियाणा में यूं तो सरकार की रफ्तार विकास कार्यों और पारदर्शिता को लेकर भले ही बेहतर रही हो, लेकिन पिछले कुछ अरसे से संगठित अपराध और खास तौर पर नशे का जाल बिछाते नेक्सस ने सरकार की नाक में दम का डाला है। और यही वजह है कि अब मकोका यानी महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी ऐसा ही सख्त कानून लाने की तैयारी में है। दरअसल इस कानून के प्रावधान अपने आप में इतने सख्त होंगे कि बड़े से बड़ा माफिया भी घुटने टेक जाए। अब उदाहरण के तौर पर जरा ये समझिए, साधारण कानून के उलट सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया आरोपी का इकबाले जुर्म भी कोर्ट में मान्य होगा। इतना ही नहीं, इस कानून के तहत संगठित अपराधों में शामिल लोगों की निजी संपत्ति भी कुर्क कर ली जाएगी। आपको तो याद ही होगा, कभी माया नगरी मुंबई अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त में थी, उगाही वसूली नशे का कारोबार धड़ल्ले से जारी था, लेकिन फिर महाराष्ट्र में मकोका कानून के अमल में आते ही तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रह गई। बड़े बड़े माफिया रातों रात खुद ही अंडरग्राउंड हो गए। तो समझा आपने, मकोका की तर्ज पर हरोका में इतने सख्त प्रावधान होंगे कि जो मुजरिम है वो हर हाल में नहीं बच पाएंगे। यहां तक कि आपको बता दें कि IPC की जो धाराएं होती हैं उनमें बहुत कुछ बचने के प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हरोका लागू होगा तो फिर संगठित अपराध करने वालों की रीढ़ की हड्डी टूट कर रह जाएगी।